अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो लेसन इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स। सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश एंड द टॉपिक इज़ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट दिस लेसन, ओपन योर टेक्स्ट बुक्स ऑन पेज नंबर 23 एंड लेट्स बिगिन। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। अहमद, कमाल, सोलोमन एंड शबनम आर सीटिंग अराउंड देयर ग्रैंड मदर एट बेड टाइम टू लिसन टू अ स्टोरी। अहमद, कमाल, सोलोमन एंड और शबनम अपनी ग्रैंड मदर, अपनी नानी के पास बैठी थी और एक कहानी सुनने के लिए तैयार थी। द ग्रैंड मदर होम दे कॉल्ड नैनी हैज प्रोमिसड देम दैट शी वुड टेल देम अ ट्रू स्टोरी। उनकी नानी जिन्हें वो नानी उनकी ग्रैंड मदर जिन्हें वो नानी के नाम से पुकारती थी, उन्होंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें एक सच्ची कहानी सुनाएंगी। नानी, लिसन चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ अ वेरी ग्रेट मैन, हिज ग्रेट नेम ग्रेट मैन। नानी कहती है कि सुनो बच्चों, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ एक अजीम इंसान की। हिज नेम इज़ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। He was born in 571 AD, more than 1400 years back, in a respectable family in Makkah, Saudi Arabia. उनका जन्म 571 AD, यानी after death of Christ, तकरीबन 1400 साल पहले अरब मक्का के एक मशहूर एक इज्जतदार खानदान में हुई। मक्का जो है सऊदी अरेबिया में मौजूद वाकया है। दोज वर द टाइम्स वेन द अरब्स ब्यूरीड दियर डॉटर्स अलाइव। ये वो वक्त था जब अरब के लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। मोस्ट पीपल डिड नॉट वांट डॉटर्स। बहुत सारे लोग लड़कियां नहीं चाहते थे कि उनके घर में लड़कियां पैदा हों। अहमद, इंटरप्टिंग, अहमद नानी को टोकते हुए, बट नानी वाई डिड दे किल दियर डॉटर्स। लेकिन नानी, वो अपनी डॉटर्स अपनी लड़कियों को क्यों मारते थे, सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। नानी जवाब देती है, नानी नोबडी वांटेड गर्ल्स टू बी बॉर्न टू देम। कोई ये नहीं चाहता था कि उनके हाँ लड़की पैदा हो। दे कंसीडर्ड गर्ल्स इन्फीरियर टू बॉयज। वो लड़कियों को कमतर समझते थे लड़कों से। देयरफोर व्हेनेवर अ डॉटर वॉज बॉर्न द फादर वुड टेक हर अवे डिग अ पिट एंड ब्यूरी हर अलाइव। तो जब कभी भी कोई लड़की किसी घर में पैदा होती थी, उसका बाप उन्हें उसे दूर लेके जाता था, एक गड्ढा खोदता था जमीन में, पिट मीन्स गड्ढा, और वहां पे उसे जिंदा दफन कर देता था। इवन द क्राइस ऑफ द डॉटर वुड नॉट मेल्ट हर फादर्स हार्ट। जो लड़की की चीख पुकार होती थी, उससे भी उसके बाप के दिल पे कोई भी असर नहीं पड़ता था। सोलोमन शॉक हो जाता है, हैरान हो जाता है। ओह गॉड, हाउ कुड द फादर डू इट। वो कहता है कि ऐ खुदा, एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है। नानी, ऑल द अरब्स डिड इट। नानी जवाब देती है कि सारे अरब के लोग यही करते थे। दे गैम्बलड, वो जुआ खेलते थे, ड्रैंक वाइन शराब पीते थे, एंड इंडल्जड देमसेल्व्स इन ऑल काइंड्स ऑफ इविल डीड्स, और अपने आप को हमेशा बुरे कामों में ही उलझाए रहते थे। कमाल, वॉज देयर नो गवर्नमेंट देयर, आई मीन पुलिस एट्सेट्रा। कमाल पूछता है कि क्या वहाँ पे कोई हुकूमत नहीं थी, मेरा मतलब है कोई पुलिस वगैरह। नानी, नो द अरब्स लिव्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। नानी जवाब देती है, नहीं, अरब ग्रुप्स में रहते थे जिन्हें ट्राइब्स कहते हैं, कबीलों में रहते थे। ईच ट्राइब हैड अ हेड हु वुड कंट्रोल एवरीथिंग। हर एक ट्राइब का एक हेड हुआ करता था, एक मुखिया हुआ करता था, जो हर एक चीज को कंट्रोल किया करता था। किलिंग ऑफ डॉटर्स, ड्रिंकिंग, डांसिंग एंड अदर इविल डीड्स वर द फैशन ऑफ द डे। लड़कियों को मारना, शराब पीना, नाच गाना करना, बुरे काम करना, ये तब का एक फैशन माना जाता था। शबनम, फैशन, व्हाट डू यू मीन। शबनम पूछती है, फैशन से क्या मुराद है। नानी, आई मीन ऑल द अरब्स वुड डू द सेम वेदर दे वर रिच और पुअर। नानी जवाब देती है कि मेरा मतलब है कि अरब के जितने भी लोग थे, सब
यही काम करते थे, एक ही जैसा काम करते थे, चाहे कोई गरीब हो कोई अमीर हो, सब इन्हीं बुरे कामों में लगे रहते थे। ऑल द चिल्ड्रन ओह हाउ सैड, सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं कि ये कितनी मायूसकुन बात है। नानी, यस इट वॉज ज्यूरिंग दीज टाइम्स दैट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वॉज बॉर्न ऑफ आमिना हु हैड बीन मैरिड टू अब्दुल्ला फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली कॉल्ड कुरैश इन मक्का। हाँ, नानी कहती है, हाँ ये वो वक्त था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आमिना उनकी वालदा का नाम था और उनके वालिद का नाम, जिनकी शादी अब्दुल्ला से हुई थी एक बड़े ही अच्छे घर में, अच्छे खानदान में, और उस खानदान का नाम था कुरैश जो कि मक्का में है। एज लक वुड हैव इट अब्दुल्ला हैड डाइड बिफोर मोहम्मद वाज बॉर्न। तो किस्मत में ये लिखा था कि अब्दुल्ला की जो है डेथ पहले हो जाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले। अहमद ओह हु लुक्ड आफ्टर हिम देन, अहमद पूछता है कि उनका फिर ख्याल किसने रखा, उनकी देखभाल किसने की। नानी हिज ग्रैंड फादर अब्दुल मुतलिब, नानी जवाब देती है कि उनके दादाजी ने, जिनका नाम अब्दुल मुतलिब था, ही वॉज द हेड ऑफ हिज ट्राइब, वो अपने कबीले के हेड थे, मुखिया थे। अकॉर्डिंग टू द अरब ट्रेडिशन मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वॉज प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ अ वुमेन हलीमा हु ब्रॉट अप मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फॉर 4 years एंड सकलड हिम। तो अरब के रिवाज के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत की हिफाजत में दिया गया, कस्टडी में दिया गया, जिनका नाम हलीमा था, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 साल तक पाला और उन्हें 4 साल तक दूध पिलाती रही, बल्कि 4 साल तक पाला और उनको दूध पिलाती रही। आफ्टर दिस हिज मदर लुक्ड आफ्टर हिम, इसके बाद उनकी वालिदा ने उनका ख्याल खुद रखा। वंस आमिना टुक हिम टू हर रिलेटिव्स इन मदीना, एक बार आमिना ने उन्हें अपने रिश्तेदारों के यहाँ मदीना लेके गई। दे स्पेंट 1 month देयर, वहां उन्होंने 1 महीना गुजारा। ऑन हर वे बैक टू मक्का आमिना फेल इल एंड डाइड, जब वो वापस मक्का आ रही थी तो आमिना बीमार हो गई और उनका इंतकाल हो गया। एट दैट टाइम मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वॉज 6 years old, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे। देन द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ब्रिंगिंग फेल ऑन द शोल्डर्स ऑफ हिज ग्रैंड फादर अब्दुल मुतलिब, तब उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उनके दादाजी के कंधों पे पड़ी, जिनका नाम अब्दुल मुतलिब था। हाउएवर व्हेन मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज 8 हिज ग्रैंड फादर ऑल्सो डाइड, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे तब उनके दादाजी का भी इंतकाल हो गया। बट बिफोर हिज डेथ ही लेफ्ट हिज ग्रैंड सन इन द कस्टडी ऑफ हिज सन अबू तालिब द एल्डर ब्रदर ऑफ द डिसीज्ड फादर ऑफ द प्रॉफिट, लेकिन वफात से पहले, मरने से पहले वो अपने पोते को अपने दूसरे बेटे अबू तालिब के पास छोड़ के गए, जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा भी थे और उनके वालिद के भाई भी थे। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।